तो ये है इंडिया की 3 मोस्ट पॉपुलर SUV और MPV, काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेड और रिलायबल दी गई है। आज हम आपको की पॉइंट्स बताएंगे जिससे आप डिसीजन अपना बना पाएंगे कौन सी आपके लिए बेस्ट है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तीनों की यहाँ पे आप कीज़ देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रीमियम चीज़ यहाँ पे आपको इनोवा एंड फॉर्चूनर की मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हेडलैम्प्स के बारे में। तीनों में यहाँ पे आपको मिल जाते हैं LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल दिए गए हैं वो आपको मिल जाते हैं फॉर्चूनर में, देन यहाँ पे इनोवा एंड स्कॉर्पियो के हेडलैम्प्स। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट आता है अलॉय व्हील्स का। तो यहाँ पे आपको इनोवा में 17 इंच के अलॉयज़ दिए गए हैं, स्कॉर्पियो में 18 इंचेस के, और इवन फॉर्च्यूनर में भी आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुक ऑफर करते हैं वो है इनोवा के अलॉय व्हील्स। यहाँ पे आप ORVM चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है इनोवा में, बाकी में आपको ब्लैक फिनिश दी गई है GRS और स्कॉर्पियो में। यहाँ पे आपको पेडल लैम्प दिया गया है। यहाँ पे आपको पेडल लैम्प स्कॉर्पियो में नहीं मिलता, फॉर्च्यूनर में आपको पेडल लैम्प दिया गया है। तीनों में यहाँ पे आपको विंडो बेल्ट लाइन पर मिल जाती है क्रोम फिनिश। प्लस यहाँ पे रूफ रेल्स आपको इनोवा में नहीं दी गई, स्कॉर्पियो में काफ़ी बिग साइज़ की रूफ रेल्स, इनोवा में स्लीक रूफ रेल्स, लेकिन सनरूफ आपको मिल जाती है सिर्फ और सिर्फ स्कॉर्पियो में। तो अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे रियर लुक। तीनों के यहाँ पे आप रियर लुक चेक कर सकते हैं। जो यहाँ पे आपको टेल लैम्प्स मिल जाते हैं वो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर में दिए गए हैं LED टेल लैम्प्स। यहाँ पे आपको हेलोजन टेल लैम्प्स दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रीमियम लुक की बात करें रियर वाली तो वो है फॉर्च्यूनर, देन इनोवा, देन स्कॉर्पियो। अब चेक कर लेते हैं बूट स्पेस। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है पावर टेल गेट, कुछ इस तरह ओपन होगा। स्कॉर्पियो का बूट साइडवेज ओपन होता है और इनोवा का बूट कुछ इस तरह ओपन होगा। तो इनोवा का यहाँ पे आप बूट स्पेस चेक कर सकते हैं, काफ़ी बिग साइज़ का दिया गया है। स्कॉर्पियो एंड फॉर्च्यूनर एंड इनोवा में काफ़ी ज़्यादा बिग साइज़ का बूट स्पेस दिया गया। प्लस यहाँ पे आपको थर्ड रो के लिए मिल जाता है 50-50 स्प्लिट सीट फंक्शन। और अब बात करते हैं यहाँ पे डोर थर्ड के बारे में। तो ये है इनोवा का डोर थर्ड, ये है स्कॉर्पियो का डोर थर्ड, और अब चेक कर लेते हैं फॉर्च्यूनर का डोर थर्ड। तो ये था तीनों डोर थर्ड। इनोवा और फॉर्च्यूनर में यहाँ पे हीट रिजेक्शन ग्लासेस भी दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे फॉर्च्यूनर में अवेलेबल नहीं है। प्लस यहाँ पे इनोवा और फॉर्च्यूनर की AC की जो एफिशिएंसी है वो आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो से बेटर मिल जाती है। प्लस यहाँ पे बात करें इन एंड आउट की, तो यहाँ पे आपको इनोवा में फर्स्ट और सेकेंड रो में इन एंड आउट काफ़ी ईजी दिया गया है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ईजी यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकेंड और इवन थर्ड रो में भी इन एंड आउट मिल जाते हैं। तो ईजी इन एंड आउट में फर्स्ट नंबर में यहाँ पे आती है इनोवा, देन फॉर्च्यूनर, देन स्कॉर्पियो। बात करें यहाँ पे इंजन ऑप्शन के बारे में, तो फॉर्च्यूनर में यहाँ पे आपको मिल जाता है 2.7 लीटर पेट्रोल और 2.8 लीटर डीजल इंजन ऑप्शन। 4x4 का भी ऑप्शन दिया गया। स्कॉर्पियो में आपको मिल जाता है 2.0 पेट्रोल और 2.2 डीजल। यहाँ भी आपको रियर व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है। इनोवा है रियर व्हील ड्राइव और इसमें भी आपको मिल जाता है पेट्रोल 2.7 लीटर और डीजल 2.4 लीटर। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे इंटीरियर्स। तो यहाँ पे आपको फॉर्च्यूनर में दोनों ही सीट्स यानी ड्राइवर और को ड्राइवर दी गई है पावर्ड लेदर प्लस सुएड सीट अपॉल्स्ट्री। यहाँ पे आपको 8 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया। स्कॉर्पियो में आपको 7 इंचेस का मिलता है, इनोवा में भी 8 इंचेस का दिया गया, लेकिन फीचर वाइज आपको सबसे ज़्यादा मिल जाते हैं स्कॉर्पियो में फीचर्स। और यह है स्कॉर्पियो का रियर कैमरा। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस अडेप्टिव दी गई है। इनोवा और फॉर्च्यूनर में आपको स्टैटिक यहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिल जाती है। प्लस यहाँ पे फ्रंट में भी कैमरा दिया गया है। इंटीरियर की क्वालिटी तीनों ही कार्स में काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट दी गई है, लेकिन फॉर्च्यूनर में काफ़ी अच्छी मिल जाती है, देन स्कॉर्पियो, देन इनोवा। डुअल जोन AC आपको तीनों ही कार्स में अगेन मिल जाता है। स्टोरेज स्पेसेस जो सबसे ज़्यादा दी गए हैं वो है फर्स्ट फॉर्च्यूनर, देन इनोवा, देन यहाँ पे स्कॉर्पियो। अगर बात करें हम यहाँ पे सीट कंफर्ट के बारे में, तो फ्रंट सीट सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको यहाँ पे मिल जाती है फॉर्च्यूनर की। सेकेंड और थर्ड रो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आपको इनोवा के मिल जाती है, लेकिन बाकी दोनों कार्स भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं हैं। बात करें यहाँ पे सिटिंग स्टांस की, तो सबसे ज़्यादा हाई आपको सिटिंग स्टांस मिल जाता है फॉर्च्यूनर में, देन स्कॉर्पियो, देन इनोवा। साउंड सिस्टम की बात करें तो स्कॉर्पियो में अवेलेबल है 12 स्पीकर सोनी 3D साउंड सिस्टम, फॉर्च्यूनर में आपको मिल जाता है 11 स्पीकर JBL साउंड सिस्टम, इनोवा में दिए गए 6 स्पीकर्स। बेस्ट आपको मिल जाता है फॉर्च्यूनर, देन स्कॉर्पियो, देन इनोवा। तो ये था
बेसिक और डिफरेंस। अब चलते हैं इनोवा में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो सबसे ज़्यादा स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील लगता है स्कॉर्पियो का एंड फॉर्च्यूनर का, देन इनोवा। लेकिन ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिया गया। अगेन यहाँ पे फिट एंड फिनिश चेक कर सकते हैं। फिट एंड फिनिश आपको तीनों ही कार से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मिल जाती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिज़ाइन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको यहाँ पे फॉर्च्यूनर का मिल जाता है एंड इनोवा का, देन आपको मिल जाता है स्कॉर्पियो का। लेकिन इन्फॉर्मेशन वाइज आपको सबसे बढ़िया मिल जाता है यहाँ पे स्कॉर्पियो। तो ये थे बेसिक डिफरेंसेस। अगर बात करें यहाँ पे सस्पेंशन की, तो फॉर्च्यूनर एंड इनोवा में यहाँ पे स्लाइटली स्टिफ सस्पेंशन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो मिल जाता है सॉफ्ट सस्पेंशन। डीजल में आपको इनोवा एंड फॉर्च्यूनर काफ़ी बढ़िया मिल जाती है, लेकिन स्कॉर्पियो में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीनियर पावर दी गई है। पेट्रोल में आपको बेस्ट मिल जाती है यहाँ पे स्कॉर्पियो। एनविश लेवल की बात करें तो स्कॉर्पियो में काफ़ी ज़्यादा कम यहाँ पे एनविश लेवल दी गई है, यानी काफ़ी ज़्यादा आपको रिफाइंड यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू इनोवा और फॉर्च्यूनर, चाहे आप यहाँ पे पेट्रोल लें या फिर डीजल इंजन ऑप्शन। तो ये था तीनों ही कार्स के बीच में बेसिक डिफरेंसेस। साथ में आप चेक कर सकते हैं डायमेंशन कंपैरिजन अपनी स्क्रीन के ऊपर। अगर बात करें यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के बारे में, तो लो सिटी स्पीड पे आपको फॉर्च्यूनर और इनोवा का स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा हैवी मिल जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो को स्टीयरिंग व्हील लाइट दिया गया है। लाइट दिया गया तो ईजिली आप इसको मैन्यूवर कर सकते हैं सिटी में, तो सिटी के लिए काफ़ी बढ़िया वो कार भी बन जाती है। ये है इनोवा की हॉर्न साउंड, ये है स्कॉर्पियो की हॉर्न साउंड और ये है फॉर्च्यूनर की हॉर्न साउंड। तो ये थे बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इनोवा, फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो। और अगर यहाँ पे हम रैंकिंग करें ऑफ रोडर्स की, तो फर्स्ट पे आते हैं स्कॉर्पियो, देन फॉर्च्यूनर, देन इनोवा। तो ये थे मेजर डिफरेंसेस जो कि इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। तो आप कौन से यहाँ पे लेना प्रेफर करेंगे, इनोवा, फॉर्च्यूनर या फिर स्कॉर्पियो? हर एक यहाँ पे कार कुछ डिफरेंट यहाँ पे ऑफर करती है ऑन द टेबल। बेस्ट अगर हम यहाँ पे कहें सिटी कार, तो वो है फर्स्ट नंबर पे स्कॉर्पियो, देन इनोवा, देन फॉर्च्यूनर। बेस्ट अगर हम यहाँ पे बात करें हाईवे के बारे में, तो बेस्ट कार है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्च्यूनर, देन इनोवा एंड स्कॉर्पियो, क्योंकि स्कॉर्पियो में यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट सस्पेंशन दिया गया है। आप इनमें से कौन सी लेना प्रेफर करेंगे वो आप हमें बताएं कमेंट सेक्शन में।